你们讲。我这个的。लो एक आदमी और पहनो इसको भी लो अब भी पहनो हेलो हेलो हाँ ये सब बोले हाँ 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 पीछे एक लाइन मारने की बस ज्यादा नहीं पीछे एक लाइन ड्राई डक का जैसे हाँ हाँ चेक करना है क्या करना है ओके चेक किया बेल्ट तुमने नहीं चेक किया चेक करो नया बेल्ट है फिर भी चेक करो उसको वेरी गुड एक एक चीज चेक करके उधर पहनो बार अगर सबको ध्यान दे रही ट्रेनिंग है कौन ठीक पहन रहा है नहीं पहन रहा है नहीं है तो उसको ठीक करना है पांडे जी जब भी ये लोग ऊपर काम करते समय जो है ना मोबाइल को हेलो करने की नहीं देते वो एक मिनट वो ये बात बता दो ये लोग सब में हाँ मोबाइल रखता है ऊपर जाके बात करें ये करें उनको वो स्ट्रिक्टली तो, नहीं नहीं वो लोग वो गलत है गलत है वो लोग उनकी वो सेफ्टी वाला को बोलो स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड टू गो तो पहले इन इन इनको चेक करना है जो भी ऊपर काम करने जा रहा है मोबाइल नहीं लेके जाना है हाँ तो इसकी वजह से भी इंसिडेंट हो सकता है हाँ है वही है लेकिन अभी एक्सीडेंट जो है दादा सुनो अभी एक्सीडेंट जो है ज़्यादा इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग मोबाइल जो है यूज़ करते हैं ठीक है हम काम करते समय भी अपना मोबाइल अपने पास रखते हैं टावर पे होते तो भी मोबाइल अपने पास रखते हैं ठीक है अब और रखते ही नहीं है हम फोन भी करते हैं ऊपर जाके करते हैं कि नहीं करते 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 हैं ना आज और अभी से अगर आप अपने आप से प्यार करता है फैमिली से प्यार करता है तो प्रॉमिस करना है कि टावर पे फोन नहीं यूज करना फोन को आप नीचे रखो ठीक है जो भी अपना बैग लाए हो उस बैग में रखो या फोरमैन को दो ठीक है जब आप लंच टाइम में नीचे आते हैं तब आप उस फोन को बात करो क्लियर हो गया सही है ठीक है ऊपर फोन यूज नहीं करना है उसका रीजन बताता आप सोचो आप ऊपर फोन है आपके पास आप ऊपर कुछ क्रिटिकल काम कर रहे हैं टेंशन वाला काम कर रहे हैं उसमें अगर फोन आएगा आप क्या करेगा फोन को पकड़ने की कोशिश करेगा स्लिप करेगा और ठीक है फोन यूज बनाना फोन आया நிறைய பேர் போன் வச்சு போன் யூஸ் பண்ண ஏன்னா ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறதுக்கு மேபி அது ஒரு பெரிய ரீசனா இருக்கும் இப்போ யாரெல்லாம் டவல் மேல ஏறாங்களோ நீங்க யாரு போன் மேனோ அவங்கள்ட்ட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருங்க போனை வாங்கி வச்சுக்க சொல்லுங்க இல்ல அவங்க பேக் இருக்குது அவங்க சேஃபான இடத்துல வச்சுக்க சொல்லுங்க இன்கேஸ் அவங்க மேல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா போன் வரும் அட்டன் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ இல்லைனா யாருக்கா கால் பண்ணி பேசணும்னு நினைப்பாங்க அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் அப்போ ஒர்க் நடக்காது இன்சிடென்ட் நடக்கிறதுக்கு தான் சான்ஸ் நிறைய இருக்கு நான் அதான் சரி சொல்ல சொன்னேன் ठीक है तो मोबाइल यूज नहीं करने हैं वो हम दे करके जाएगा नीचे जब ऊपर से आएगा देखेगा किसका मिस कॉल है किसका मैसेज है फिर जो अपना खाली टाइम है जो पानी पीने का है टॉयलेट जाने का है उस टाइम पे उसको चेक करके उसको जवाब देगा क्यों अब सोचो इससे कैसे हम बच सकते हैं
अब ऊपर अगर कोई इमरजेंसी का कॉल आया, आपको नहीं पता चला, आप अच्छे से काम करके नीचे आ गया, अब आपने देखा ओ घर से इमरजेंसी का कॉल आया है, तो क्या करेगा? फोन करेगा, बात किया, पता चल गया, अब आपका माइंड में टेंशन आ गया, ठीक है। अब माइंड में जैसे ही अगर ऐसा टेंशन आता है तो ऊपर टावर पे काम करने नहीं जाना है, नहीं जाना है, सीधा फोरमैन साहब के पास जाना है, ठीक है, सेफ्टी साहब के पास जाना है, बताना है कि साहब मेरा घर में ऐसा प्रॉब्लम है, मेरा दिमाग में नहीं लग रहा है, मैं टावर पे काम नहीं कर पाएगा, काम करेगा मेरे से गलती होगा, एक्सीडेंट हो सकता है मेरा, मेरे को कोई दूसरा काम नीचे का बता दो, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, फिर वो आपको कोई दूसरा काम बताएगा, उस दिन जो है आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। लेकिन अब सोचो आप ऊपर है, वहीं पे मोबाइल उठाएगा, वहीं टेंशन आएगा, वहीं प्रॉब्लम आएगा, जल्दी जल्दी नीचे आएगा, समझ रहे हैं? तो घर में भी प्रॉब्लम है ही और यहाँ पर भी प्रॉब्लम बना लेगा, तो इसलिए हमें मोबाइल नहीं यूज करना है। मोबाइल हम खाली समय में यूज करेंगे, जब हमारा टाइम खाली होगा, क्लियर है, गुड। अब सबने बेल्ट पहन लिया, ठीक है, अभी जैसे जैसे महाराजा ऊपर जाएगा ऐसे लगा करके, ठीक है, उसको ध्यान से देखना है और ध्यान से जाना है, ठीक है, मैं हेलमेट पूरा पूरा, ठीक है ठीक है, रुको एक चीज और, महाराज ऊपर जाके ये लगाना है, ठीक है, दो आदमी जाने का है, महाराजन वहीं पर रहेगा देख रेख के लिए भी, ठीक है, ऊपर जाके ये लगाना है, इस पे हुक करने हैं और आदमी धीरे से नीचे उतरना है और हैंग होना है ऐसे, ठीक है, कूदना नहीं है, इसमें लगा के धीरे से हैंग होना है, ठीक है, फील करने, सभी लोग फील करेंगे, पहले ये लोग उतर के आएगा, फिर बाद में ये लोग आपको देगा बेल्ट, फिर आपको भी ऐसे करना है, ठीक है, हाँ ये खोल दो, इसका अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ये चाहे तो आप लगा सकते हो पोजीशन के लिए, ठीक है, फॉलोअर, ठीक है। अभी हम ये देखेंगे कि आदमी हैंग होता है तो उसको क्या ऐसा कोई सामान पे दर्द तो नहीं आता है, वो सारा चेक करेगा, ठीक है, वेरी गुड, अपने दोस्त के लिए क्लैप करें, ये सही से नहीं, वो सूरज की किरण उसके ऊपर आ रही है, नहीं क्लियर है, तो वेरी गुड वेरी गुड, स्लोप अंडरस्टैंड, गुड, अब स्लोली नीचे उतरो, वेरी गुड, आराम से, हाँ गुड, और नीचे लड़का के देखो लड़का, वेरी गुड, पैर नीचे कर दो, या छोड़ दो, वेरी गुड, देखो आज भी जब फॉल होगा ये पोजीशन आएगा, ऐसा हवा में हो जाएगा, ठीक है, अभी देखो अभी थोड़ा इधर ऐसे होगा, गिरेगा ना, जैसे ही गिरेगा तो इधर जाएगा, ऐसे जाएगा और हेलमेट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा,
तो इसलिए ये लगना जरूरी है। ए महाराजन सामान ठीक है? ठीक है साहब। ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है। चलो ऊपर आ जाओ। नेक्स्ट महाराजन तुम वही रहने का है? ठीक है सर। ठीक है, दूसरा आदमी जाएगा, इसका हुक लगाने का है उसमें, और उसको देखने का है उसका। स्लो स्लो, आराम से। वेरी गुड, आराम आराम से जाने का, कोई जल्दी। ऊपर देखो ऊपर। ठीक है, जब ये आदमी आएगा आराम से, कोई फास्ट नहीं, स्लो स्लो स्लो। तन्नी बॉटल नहीं है, अच्छा ये देख ऊपर जाके ग्लव्स पहन रहा है। देखो ये छोटा छोटा है, ठीक है, हम लोग हेलो आपको प्रॉब्लम समझ में आता है, ठीक है, तो जो इनको प्रॉब्लम हो रहा है हमें वो काम नहीं कर रहे हैं, जो क्योंकि आपको भी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। ये सब लोग जो है देख रहे हैं, देखते हैं ना, सब लोग का मुंडी ऊपर है, सब लोग के मुंडी ऊपर है, देखो इधर इधर को पकड़ के उतर जाओ, कोई टेंशन नहीं है, आराम से। वेरी गुड वेरी गुड, मैं कैमरा मैन, आराम से। अरे वेरी गुड, ठीक है, सामान ठीक है, सब ठीक है, गुड। देखो जब हम आदमी गिरेगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, अब अपने ऊपर जो है वहाँ पे वहाँ अपने आप को पोजीशन लो और ये रेस्ट लगाओ। Thank you.
बैग बैग निकालो, बैग के साथ नीचे छोड़ो, आपड़े किले पड़ो, आपड़े एक किले हाँ, और वाला मेल पोगे। देखो, जो भी अपना साथी है, सबको एक दूसरे के ऊपर फेथ होना है, भरोसा होना है कि मेरा जान बचा लेगा, ठीक है? महाराजन पर फेथ है कि नहीं है? नहीं है अभी? अभी होएगा। चलो, वेरी गुड। महाराजन, उसमें जो सही है, कराबिनर दिया ना? हेलो। आ रहे हैं श्री। ए ए एत्र परसेंट है? 50। कितना लो? आ, इंड इंड इंड। वो वादे कर दो, डेलीवरी कर दो। अब, आए चुके मेले 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 आ हुक निकाल दो, हुक निकालो, उसका हुक निकाल, उसका हुक काट के वो पीछे डीरिंग में लगा दो, वहीं पे लगा दो। आए वाह, बोलो लटक जाओ तुम, जो है छोड़ दो इसको, छोड़ दो तुम, छोड़ दो। वाह, वेरी गुड, ठीक है। ओके वाह, சரி கீழே இறங்கணும்னு அந்த பயம்லாம் போயிடுச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் மேலேருந்து இறங்குற போது எந்த ஒரு ஃபீலிங் இல்லை எனக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் நல்ல தைரியமாக கீழே இறங்கி வந்தேன் எந்த ஒரு எஃபர்ட்லாம் எந்த ஒரு சேஃப்டியாக வந்தேன் கீழே வந்தேன் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நல்ல தைரியமாக இருக்கு ஃபீலிங் ஃபஸ்ட்டு பெல்ட் வரும்போது பயம் தோங்கும்போது இங்கே ஆள் வரும்போது பையன் ரெஸ்கியூல வரும்போது பயம் இல்ல பெட்ல உட்காரும்போது லைட்டா இருந்துச்சு வரும்போது எந்த பிரச்சனை நல்லா இருக்கும் அந்த பிரச்சனை நல்லா வந்தது சேஃப்டியா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹா ட்ரின்ஸ் பிரதர் ஹா சொல்லு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வெயிட்ல இருந்து பயமா தான் இருந்துச்சு சரி கீழ எங்க விழுந்துறோம் பயமா தான் இருந்துச்சு ரோப் பிடிச்சு இறங்க பாருங்க கொஞ்சம் இது பாட்டு பயம் தெரிஞ்சிருச்சு இல்ல போ கீழ வரும் பயம் தான் இருந்துச்சு ஓகே அதுக்கு செகண்ட் டைம் வரும்போது அந்த பயத்து தெரிஞ்சது இனிமேல் ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துனா நீங்க தனியா ரெஸ்க்யூ பண்ண தெரியுமா தனியா பண்ணிடுவீங்க தனியா இப்போ மகாராஜா பண்ண மாதிரி நீங்க ஒரு ஆளை கீழ இறக்க முடியும் உங்களால ஓகேவா தைரியம் வந்துருச்சு தைரியம் வந்துருச்சு தட்ஸ் குட் எனக்கு
எந்த ஃபீலிங்கும் இல்லை, நான் தைரியமாக வந்தால் சேஃப்டியாக வரணும். ஹலோ, ஃபீலிங் இல்லாமல் எப்படி இருக்கு? இல்லை பயன்றது ஒரு இது இல்லை. பயம் இல்லை. ஓகே ஓகே. ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு இது இருக்குல்ல, இல்லை மேலே ஏறும்போது அது சொல்கிறேன். இல்லை இல்லை, தைரியமாக ஏறும். தைரியமாக இருக்கியா? ஓகே, வெரி குட். ஃபஸ்ட்டு பாதி வர வரையும் பயம் இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் ரீச் ஆனதுனால அவ்வளோ பயம். பயம் இல்லை. பயம் இருந்தது போய் இல்ல, செகண்ட் டைம் இறங்கும்போது பயம் இல்ல. பயம் இல்ல. ஓகே, ஏறும்போது பயம் இருந்தது, இறங்கும்போது பயம் இல்ல. ஏன்னா மனதைரியம், தைரியம், நம்பிக்கை வச்சு நான் இறங்கிட்டேன். சே கான்ஃபிடன்ஸ், செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ், வெரி குட். ஆப் பதாயே தரோ, நீங்க வந்து சொல்லுங்க. இதெல்லாம் பாத்தீங்கல்ல, இவ்வளவு பேர் இறங்கனத பாத்தீங்கல்ல, உங்க மனசுல எப்படி இருந்துச்சு? என்ன தோணுச்சு? பயம் தான் இருந்துச்சு, பயம் இன்னும் போகல. உஸ்கி மன் மே அபி பி டர் ஹை, கோயி பாத் நீ, வோ டர் தீரே தீரே நிகல் ஜாயேகா, லேகின் குச் தோ கம்தி ஹுவா ஹோகா, ஐசா ஹை மேரா மன்னா ஹை கி குச் தோ கம் ஹுவா, தோடா கொஞ்சம் கம்மி ஆயிச்சா. கொஞ்சம் रेस्क्यू कर रहा था तो क्या सोच रहा था, क्या क्या दिमाग में आ रहा था, वो सब दोस्तों को बताने गए. और अभी कॉन्फिडेंस हुआ कि ये भी बचा सकते हैं, आप लोग भी बचा सकते हैं कि नहीं, लाइफ सेव कर सकते हैं ना, एक दूसरे का कर सकते हैं ना. हाँ तो बताओ, अपना फीलिंग बताओ अपना, कि क्या फील किया, कैसा है वो सारा. நல்லா கீழே இருக்கு, நீங்கள் வந்து சேஃபாக கீழே இறங்கி சேர்றீங்களான்றது எனக்கு, இங்கே கீழே வர வரைக்கும் எனக்கு பயமாக இருந்தது. பின்னாடி நான் வரும்போது எனக்கும் பயமாக தான் இருந்துச்சு, கீழே வந்து எனக்கு கிளியர் ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு இத்தனை பேரை இறக்கியும் இந்த லாஸ்ட்டாக என்ன வரும்போது எனக்கு பயமாக தான் இருந்தது. ஓகே, வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். தோஸ்தோ, ஏ ஆப்னே ப்ராக்டிக்கல் ட்ரெயினிங் லியா, ஹுத் சே ஆப்கோ மஹசூஸ் ஹுவா கி நஹி, அப் ஹம் குச் பி கரேகா, பெல்ட் பேன் கே பாதேகா, மே சேஃப் ஹை, அகர் குச் மே கிர் பி ஜாயேகா தோ மேரா சாத்தி லோக் மேரே கோ பச்சா லேகா. கிளியர் ஹோ கியா, ஃபேத் ஹோ கியா ஆப் ஜோ ஹை. தோ அப் ஆப்கா காம் மே தேஜி, ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆயேகா நீ ஆயேகா? ஆயேகா, ஆயேகா நா, ஆயேகா, வெரி குட். ஆர் தூசரா சீஸ் ஜோ கிட் பதாயா ஹை, வோ கிட் சப்கோ ஹோனா ஹை, ஆர் வோ தேங்கே, வோ சாப் தேங்கே வோ சீஜே. அப் ஹம் லோக் சேஃப்டி ஓத் லேங்கே, டீக் ஹை? சேஃப்டி ஓத் மத்தப் மே ஹிந்தி மே ஹி ஓத் ஜானதா ஹோ தோ ஹிந்தி மே ஹி போலுங்கா, டீக் ஹை? உஸ்கோ தமிழ் மே சாப் பதாயேங்கே, டீக் ஹை? உஸ்கோ சிர்ஃப் பாலன் கர்ரேங்கே தில் சே, டீக் ஹை? சப் அவர் இடையில ஸ்டாப் பண்ணாத சார் போலோ. சோ வந்து நம்ம சார் சொன்ன மாதிரி வந்து நம்ம வந்து ஒரு ட்ரெய்னிங் எடுத்துருக்கோம், ஒர்க்கிங் ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து ஒவ்வொரு ஆளும் வந்து பெல்ட் போட்டு போயிட்டு ரெஸ்கியூ பண்ணியிருக்காங்க. முன்னாடி கொஞ்சம் எல்லோரும் உங்களுக்கு பயம் இருந்திருக்கும், இப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் பயம் போயிடுச்சு. ஸோ நம்ம வந்து ஒர்க்கில் வந்து கொஞ்சம் ப்ரொடக்டிவிட்டி கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெல்ட்டு, ஒரு ஆள் வந்து மேலே வந்து எப்படி நம்ம ரெஸ்கியூ பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் கற்றுட்டீங்க. எல்லாருக்குள்ளே நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்துருச்சா, ஒரு பயம் போயிடுச்சு, கொஞ்சம் நம்பிக்கை நமக்கு வந்துருக்கு. कसम खाते हैं कि जब भी काम करने आएंगे हेलमेट चेन स्ट्रैप के साथ पहनेंगे, जब भी टावर पे काम करने जाएंगे सेफ्टी बेल्ट पहनकर काम करेंगे, काम करते समय बेल्ट की रस्सी हमेशा बांध कर काम करेंगे, चढ़ते समय उतरते समय डबल रस्सी का प्रयोग करेंगे, अगर कोई साथी दुर्घटना घटित हो जाता है तो बचाव यंत्र के द्वारा उसे बचाएंगे, खुद
सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे और दूसरों को भी सुरक्षा के नियम पालन करने के लिए सदैव प्रेरित करेंगे। अगर कोई साथी सुरक्षा के उपकरण या सुरक्षा के नियम गलत तरीके से प्रयोग करता हुआ दिखाई देगा उसे रोकेंगे, टोकेंगे और सही तरीका सिखाएंगे। धन्यवाद। அப்பனா தமிழ்ல சொல்றேன். சொல்லுங்க. நாங்க எல்லாரும் இன்னைக்கு நாங்க எல்லாருக்கு சேஃப்டி ட்ரெய்னிங் எடுத்துறோம். சேஃப்டி ட்ரெய்னிங் எடுத்துறோம். இந்த ட்ரெய்னிங்ல என்னென்னலாம் நாங்க கத்துட்டோமோ அதை வந்து ஃபியூச்சர்ல நாளை இருந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஃபியூச்சர்ல நாளை இருந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம். வேலைக்கு வரும்போது ஹெல்மெட் சின்சிங்கோட இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு டவர் மேலே ஏறும்போது டபுள் லேன்யார்டு யூஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் மேலே ஏறுவோம். மேலே ஏறினதுக்கப்புறம் நாங்கள் எல்லாரும் பொசிஷனிங் லேன்யார்டு யூஸ் பண்ணுவோம். என்னோட ஃப்ரெண்டு யாருன்னா பொசிஷனிங் லேன்யார்டு யூஸ் பண்ணலைன்னா அவங்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுப்போம். மறுபடியும் கீழே இறங்கும் போது டபுள் ஹூக்கு போட்டு தான் நாங்க இறங்குவோம். ஃபியூச்சர்ல புதிய ஆள் ஏதாவது வந்தா அவங்களுக்கு தெரியலனா கூட நாங்க அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்போம். தேங்க்யூ.